अभिमन्यु और अक्षरा, अब आप दोनों तो पहनने वाले हैं शादी वाली हथकड़ी। ओह वाओ, क्या सेलिब्रेशन का माहौल है यहाँ। हम जानते हैं ये सेलिब्रेशन भी अधूरे हैं ट्विस्ट के बिना, तो चलिए ले चलते हैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर। अभिमन्यु का हुआ हाल बेहाल, अक्षरा बनी सहारा, माँ को ढूंढने निकले अभिमन्यु और अक्षरा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है महा ट्विस्ट, जहाँ इन खुशियों के बीच आ गए हैं गम के बादल। असल में अभिमन्यु की माँ हो गई है लापता, और ऐसे में अभिमन्यु बहुत चिंता में है। उन्हें अपनी माँ की फिक्र सता रही है। इसी वजह से अभिमन्यु और अक्षरा बाइक पर निकल पड़े हैं अभिमन्यु की मम्मी को ढूंढने के लिए। बहुत ढूंढने पर भी अभिमन्यु को अपनी मम्मी कहीं भी मिलती नहीं है, और ऐसे में उसकी हालत हो जाती है खराब। तुम ठीक हो? बाइक रुको, बाइक रुको, रुको रुको, अच्छू बहुत अच्छू, क्या हो रहा है? हाँ तू उतरो। टेंशन की वजह से अभिमन्यु की तबीयत बिगड़ रही है, और वो बेहद इमोशनल भी हो रहा है। ऐसे में अभिमन्यु का साथ देने के लिए अक्षरा है, और अक्षरा अभिमन्यु को संभालती है और उसे दिलासा देती है कि उसकी मम्मी को कुछ नहीं हुआ है, वो मिल जाएगी। तो भाई फाइनली अभिमन्यु की तलाश खत्म होती है, और उसे अपनी माँ दिखती है जख्मी हालत में, और वो उसे हॉस्पिटल लेके भागता है। तो वहीं दूसरी तरफ आरोही है परेशान। और अगर हुआ भी है तो ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, मेरी वजह से नहीं हुआ है। ये अक्षु की वजह से हुआ है। हमेशा सब कुछ उसी की वजह से होता है। हाँ। भाई अभिमन्यु इस बात से अनजान है कि उसकी मम्मी का जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसी और ने नहीं बल्कि आरोही ने ही किया है, और उस वक्त आरोही के साथ अक्षरा भी थी। लेकिन अक्षरा इस बात से अनजान है कि अभिमन्यु की माँ का एक्सीडेंट उन्हीं की कार से हुआ है,
तो भाई अब देखना होगा कि सच सामने आने के बाद रिश्तों और कहानी में आते हैं कौन से नए मोड़। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।